हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेस्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। हॉलीवुड मूवीज की बात करें तो वो अपनी मूवीज में फुल रियलिस्टिक एनिमेशन CGI और VFX लेकर आते हैं और अपने एक्टर्स की सैलरीज और मार्केटिंग में सबसे ज्यादा पैसे खर्च भी करते हैं। और हम ये कह सकते हैं कि हॉलीवुड मूवीज सबसे ज्यादा बजट में मूवी बनाती है। और इसका मतलब ये भी नहीं है कि हाईएस्ट बजट का मतलब कि उनकी मूवीज उतना ही प्रॉफिट कमा भी लें। कोई मूवीज बहुत सारे मार्जिन से फेल भी होती हैं। फॉर एग्जांपल, हॉलीवुड मूवी ट्रांसफॉर्मर्स द लास्ट नाइट की बात करें तो वो $216 मिलियन के बजट में बनी थी, फिर भी उसने कंपनी का $100 मिलियन का लॉस भी करवा दिया था। तो मैं आज इस वीडियो में टॉप 10 हाईएस्ट बजट वाली मूवी की बात करने वाला हूँ। मैं सिर्फ उनके बजट के हिसाब से ही रैंकिंग करने वाला हूँ, इनका हिट या फ्लॉप से कोई लेना देना नहीं है। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ जस्टिस, ये मूवी 29 मार्च 2016 को रिलीज हुई थी। DC की सेकंड हाईएस्ट बजट वाली मूवी बैटमैन वर्सेस सुपरमैन डॉन ऑफ को बनाने के लिए $263 मिलियन के अधिक का बजट यूज किया गया था। अगर इंडियन रुपीज में कन्वर्ट करके बात करें तो 237,82,58,550 होती है। ये कोई नहीं जानता कि इस मूवी ने कैसा परफॉर्मेंस दिया था, क्योंकि फोर्ब्स के अनुसार इस मूवी ने अपने बजट में 3.5 गुना ज्यादा कमाई की थी। अगर कुछ फैंस की बात करें तो उन्हें मूवी की स्टोरी टेलिंग में ज्यादा दम नहीं लगा। शायद ये मूवी बेन एफ्लेक और हेनरी कैविल के परफॉर्मेंस की वजह से हिट हुई। और ये देखना एक्साइटिंग था कि बिना पावर वाले बैटमैन ने सुपरमैन जैसे ओवरपावर्ड बींग को हरा दिया। जॉन कार्टर एक अमेरिकन साइंस फिक्शन मूवी है जो मार्च 2012 को रिलीज हुई थी। ये मूवी का फुल बजट $263 मिलियन का था, लेकिन कमाई में सिर्फ $200 मिलियन ही कमाई कर पाई थी। इस मूवी की फ्रेंचाइजी के लिए डायरेक्टर 2 और मूवीज का भी प्लान कर रहे थे, लेकिन इस मूवी के फ्लॉप के बाद उसके 2 प्रोजेक्ट गॉड ऑफ मार्स एंड वॉरलॉर्ड ऑफ मार्स को रोकना पड़ा था। और ये हाईएस्ट बजट के साथ बिगेस्ट फ्लॉप मूवीज की लिस्ट में भी शामिल हो गई। नंबर 8, स्टार वॉर्स एपिसोड 9 द राइज ऑफ स्काईवॉकर। स्टार वॉर्स की फ्रेंचाइजी का 9वां पार्ट है द राइज ऑफ स्काईवॉकर। ये मूवी रिलीज हुई थी 20 दिसंबर 2019 में और ये मूवी बनी थी $275 मिलियन के बजट में, यानी 2,129,82,00,000 इंडियन रुपीज में। हाईएस्ट बजट वाली ये मूवी ने कमाई भी काफी अच्छी करी थी, $1.74 बिलियन की कमाई कर ली थी। इस मूवी ने इसके साथ ही $300 मिलियन का प्रॉफिट भी कमा लिया था। इस मूवी के लिए एक्टिंग, एक्शन, म्यूजिकल स्कोर और विजुअल इफेक्ट्स बेस्ट थे, लेकिन फैंस ने स्टोरी को ज्यादा पसंद नहीं किया। नंबर 7, सोलो और स्टार वॉर्स स्टोरी। स्टार वॉर्स के हान सोलो के ऊपर बनी ये फिल्म रिलीज हुई थी मई 25, 2018 को और इस मूवी को एवरेज रिव्यू मिला था। क्रिटिक्स ने उसके कास्ट, विजुअल इफेक्ट, एक्शन की तारीफ बहुत ज्यादा तारीफ की, लेकिन सिनेमेटोग्राफी और टोन को नापसंद किया। इस मूवी का बजट था $275 मिलियन और इस मूवी ने सिर्फ $393 मिलियन की ही कमाई की थी और ये बहुत ही कम प्रॉफिट है। नंबर 6, जस्टिस लीग। 2017 की DC की सुपर हीरो मूवी जस्टिस लीग अपने कॉमिक्स बेस्ड मूवी को लेकर आई थी। ये मूवी बनी थी $300 मिलियन के बजट में और इस मूवी ने सब ऑडियंस को सबसे ज्यादा डिसअपॉइंट किया और जस्टिस लीग मूवी ने वार्नर ब्रदर्स की $60 मिलियन का नुकसान भी करवा दिया। और इस वजह से जैक स्नाइडर ने रीशूट और अपनी तकनीक के जरिए स्नाइडर कट फिर से बनाना पड़ा और जैक स्नाइडर ने अपने टैलेंट को काफी अच्छे से यूज किया और बॉम्ब मूवी को हिट मूवी बनाया। इस मूवी को HBO मैक्स पर रिलीज किया गया। हालांकि ये मूवी हिंदी में रिलीज नहीं की गई थी, लेकिन ये मूवी HBO मैक्स पर सबसे ज्यादा देखे जाने वाली 4थी मूवी बन गई। नंबर 5, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट द वर्ल्ड्स एंड। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन एट द वर्ल्ड्स एंड इस फ्रेंचाइजी की 3री मूवी थी और ये मूवी रिलीज हुई थी 25 मई 2007 को। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन मूवी कैप्टन जैक स्पैरो की स्टोरी पर बेस्ड मूवी है और इस मूवी को बनाने के लिए $300 मिलियन का बजट यूज किया गया था और इंडियन रुपीज की बात करें तो 2,328,44,40,000 रुपीज होते हैं। इस मूवी ने 960 मिलियन की रिकॉर्ड ब्रेकिंग कमाई की थी और ये मूवी 2007 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। मार्वल की सुपर हीरो टीम पर बेस्ड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मार्वल की 3री सबसे महंगी मूवी है और ये मूवी रिलीज हुई थी 27 अप्रैल 2018 को। एवेंजर इन्फिनिटी वॉर मूवी बनी थी $316 मिलियन के बजट में और इंडियन रुपीज की बात करें तो 2,452,62,76,800 रुपए में बनी थी। इस मूवी ने
रिलीज के ही दिन से रिकॉर्ड तोड़ना शुरू कर दिया था और ये मूवी 2018 की सबसे पहली मूवी बन गई जो 2 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई को पार करने वाली पहली मूवी बन गई, यानी 15,538 करोड़ 88 लाख रुपीस होते हैं। और ये मूवी अब तक की चौथी हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी बन गई। एवेंजर्स एंड गेम, एवेंजर्स इंफिनिटी वॉर का सीक्वल एवेंजर एंड गेम है और ये मूवी रिलीज हुई थी अप्रैल 26, 2019 को। इस मूवी का बजट था 350 मिलियन यूएस डॉलर। इंडियन रुपीज में बात करें तो 2,716 करोड़ 51 लाख 80 हजार इंडियन रुपीज। इस मूवीज की VFX, CGR और सब कुछ बहुत ही बढ़िया था। इस मूवी की डायरेक्शन, एक्टिंग, एक्शन सीक्वेंसेस, विजुअल इफेक्ट को सबसे ज्यादा पसंद किया गया और एंड गेम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग तरीके से 2.7 बिलियन डॉलर की कमाई भी कर ली जो इंडियन रुपीज में होते हैं 20,977 करोड़ 38 लाख 80 हजार इंडियन रुपीज। और ये मूवी इन्फिनिटी वॉर की पूरी कमाई को सिर्फ 11 दिन में ही क्रॉस कर गई और दुनिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। दूसरे नंबर पर है एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन। एज ऑफ अल्ट्रॉन मार्वल की सबसे ज्यादा महंगी और दुनिया की दूसरी सबसे ज्यादा बजट वाली मूवी है। ये मूवी रिलीज हुई थी 1 मई 2015 को और इस मूवी का बजट था 365 मिलियन यूएस डॉलर्स और इंडियन रुपीज में बात करें तो 2,832 करोड़ 94 लाख 2 हजार इंडियन रुपीज होते हैं। और इस मूवी ने वर्ल्ड वाइड 1.4 बिलियन यूएस डॉलर की कमाई भी कर ली और 2015 की चौथी हाईएस्ट कमाई करने वाली मूवी बन गई और पांचवी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मूवी बन गई। पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड्स, पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन ऑन द स्ट्रेंजर टाइड्स ये मूवी दुनिया की सबसे महंगी मूवी है जो सबसे ज्यादा बजट में बनी है और ये मूवी रिलीज हुई थी 20 मई 2011 को। इस मूवी का बजट 422 मिलियन यूएस डॉलर था। इंडियन रुपीस में बात करें तो 3,275 करोड़ 34 लाख 45 हजार 600 इंडियन रुपीस होते हैं। इस मूवी के एक्शन सीक्वेंसेस, VFX और परफॉर्मेंस को काफी पसंद किया गया और इस मूवी ने 1 बिलियन की कमाई करके 2011 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तीसरी मूवी बन गई। तो ये तो थी टॉप 10 मोस्ट एक्सपेंसिव मूवीज ऑफ ऑल टाइम जो सबसे ज्यादा बजट में बनी है। तो आगे आप कौन सी रैंकिंग देखना चाहते हैं कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।